नमस्ते। अमृतम श्रेणी में आज आपके सामने में मैडम ब्लेविट्स की समराइज्ड टाइटल के अंतर्गत मैडम ब्लेविट्स की को प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो थियोसोफिकल सोसाइटी की धरोहर थी, है। और उन्होंने भी मेरे भीतर के अमृत तत्व को जगाने की जो भी मदद की है उसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो जस्ट टू एक्सप्रेस द ग्रेटिट्यूड आई एम ब्रिंगिंग फोर्थ नाउ मैडम ब्लेविट्स्की। शी वॉज अ रशियन लेडी, कई भाषाएं जानती है। और आश्चर्य तो यह है कि अपनी किताब में विष्णु पुराण से लेके अनुगीता से लेके ब्रह्म वैवर्त पुराण, भविष्य पुराण, सभी सनातन ग्रंथों का भी उन्होंने जिस तरह उसका प्रयोजन सिद्ध करने के लिए उसका उपयोग किया है, वो सचमुच हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं। तो देखते हैं। शी राइट्स, वेरी बोल्ड राइटर, शी राइट्स, इट वॉज नॉट टू बी एक्सपेक्टेड दैट द जीनियस ऑफ अवर कंट्री, इवन वेयर ही बी ए प्रॉफिट, वुड स्क्वीज आउट ऑफ हिज ब्रेन एनीथिंग न्यू। आजकल जो कॉपीराइट की बात चलती है, पर वो कहती है कि कोई भी व्यक्ति ओरिजिनल नहीं है, प्रॉफिट भी क्यों। प्रॉफिट भी ऊर्ध्व सत्ता से, ऊर्ध्व मूल जो सत्ता है, परम सत्य ज्ञान प्रकाश आनंद है, वहां से ही ले आता है। सो इट इज नेवर ओरिजिनल। भले आज के हमारे प्रतापी राइटर्स अभिमान से कहते हैं कि हमारा ये कॉपीराइट है, हमने लिखा है, आपने कुछ नहीं लिखा है। ऋषि मुनि भी हमेशा कहते थे कि ऐसा मैंने सुना है, इतनी विनम्रता थी। आज के राइटर्स में नहीं है। तो मैडम लिखती है, इट इज एडमिटेड दैट From time immemorial, the distant east was the land of knowledge. सदियों से जिसकी गिनती हमें याद नहीं है, उसकी हमारी स्मृति में नहीं है, इतनी सदियों से दूर का जो पूर्व है, पूर्व के देशों है, it was the land of knowledge, वो ही ज्ञान की भूमि था। पूर्व का जो है वो ही ज्ञान की भूमि था। नॉट इवन इन इजिप्ट वेयर बॉटनी एंड मिनरोलॉजी सो एक्सटेंसिवली स्टडीड एज इन मिडल एशिया। मिडल एशिया में जो उसका अभ्यास किया गया था, इतना इजिप्त में भी नहीं किया गया था। द अर्लिएस्ट ऋषिस, द सेवन प्रिमीवल सेजिस, सप्तर्षि, हर एक मन्वंतर में अलग अलग सात सप्तर्षि होते हैं। एक कॉस्मोलॉजी की घटना है, जल्दी समझ में नहीं आएगी। अरे जो सात ऋषि होते हैं, दे टुक केयर इन एजुकेटिंग यूथ, वो हमारी जो युवा पीढ़ी होती है, हर एक युग की युवा पीढ़ी को पढ़ाने का, एजुकेट करने की उन्होंने अपना कर्तव्य समझ के ये क्रिया किया, ये कार्य किया। इन फैमिलियराइजिंग इट विथ जनरस एंड वेरियस सेंटिमेंट्स
अलग अलग जो सेंटिमेंट से भावनाएं हैं उनके साथ उनका परिचय करना के करने का उन्होंने प्रयास किया। बहुत विलक्षण है ये सेंटेंस। गुरुकुल में जब बच्चों को पढ़ाए जाते थे तो गुरु है वो सब ज्ञान की दीक्षा देते थे, शस्त्र शास्त्र सब कुछ सिखाते थे, पर जो गुरु माता थी वो संगीतों का संगीत के सहारे या ऐसी कलाओं के सहारे उनमें संस्कार का सिंचन करते थे और बैलेंस हो जाता था। और रिकॉर्डिंग हिस्टोरियंस ने रिकॉर्ड किया है, ये रिकॉर्डेड बाय हिस्टोरियंस दैट दे वर एक्सपर्ट्स इन मैटर्स ऑफ फिलोसॉफी, मेटाफिजिक्स, पराभौतिकता, एस्ट्रोनॉमी, मोरालिटी एंड रिलीजन, सब में ये माहिर थे, इतने एक्सपर्ट्स थे वो लोग। और इतने स्वाभिमानी थे कि इफ द प्रिंसेस डिजायर टू हैव एन एडवाइस और प्रेयर्स ऑफ द होली मैन, उनसे कोई सलाह प्राप्त करना चाहते थे या उनकी प्रार्थना करना चाहते थे तो देवर आइदर ओब्लाइज टू गो देमसेल्व्स, आइदर उनको आश्रम में जाना पड़ता था, या तो सेंड मैसेजेस या तो संदेश भेजने पड़ते थे। टू दिस मैन, ये जो गुरु थे, नो सीक्रेट पावर ऑफ आइदर प्लांट और मिनरल वेर अननोन। प्लांट्स पौधे होते हैं, मिनरल धातु तत्व वगैरह सबका ज्ञान वो ऋषियों का था। दे हैड फैदम्ड नेचर ऑफ इट्स डेप्थ्स व्हेन साइकोलॉजी, वो उनके पौधे का जो भीतर में क्या है सब कुछ उन्होंने जान लिया था, मिनरल्स के भीतर में क्या है सब जान लिया था। दे हैड फैदम नेचर ऑफ इट्स डेप्थ्स, उनकी गहराई में जा गए थे वो। व्हेन साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी वेयर टू देम ओपन बुक्स, मानस शास्त्र और शरीर शास्त्र खुली किताब जैसा था। आजकल का जो हमारा मानस शास्त्र है जिसमें हम बहुत गौरव करते हैं सिर्फ 200-300 साल पुराना है, पर हमारा हजारों साल पुराना जो मानस शास्त्र है उसकी हम उपेक्षा कर रहे हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू लुक मॉडर्न, वी वॉन्ट टू बी फैशनेबल। पुरानी बातों का कोई भी जरिया करना अच्छी बात नहीं है ऐसा हमें लगता है, और बच्चों को वही सिखाया जाता है अनफॉर्चुनेटली। आगे लोटस के बारे में, कमल के पुष्प के बारे में मैडम बहुत अच्छा लिखती है, देखते हैं। द लोटस द सीक्रेट फ्लावर ऑफ इजिप्शियंस, इजिप्शियंस के लिए, इजिप्त वासियों के लिए ये सीक्रेट था, सैक्रेट भी था, पवित्र था, ये सिंबल था ये पुष्प, और हिंदूस के लिए भी। द लोटस इज द सिंबल ऑफ होरस एज वेल एज ब्रह्मा, इजिप्शियंस के लिए वो होरस का प्रतीक था और हिंदुओं के लिए ब्रह्मा का प्रतीक था। नो टेम्पल इन टिबेट और नेपाल आर फाउंड विदाउट इट। नेपाल और तिबेट में जाओ तो हर एक टेम्पल्स में आपको लोटस दिखने मिलेगा। विद द हिंदूस द लोटस इज द एम्ब्लेम ऑफ प्रोडक्टिव पावर ऑफ नेचर थ्रू द एजेंसी ऑफ फायर एंड वॉटर। अग्नि और जल, उनकी एजेंसी से जो बना है वो कमल है। मीन्स स्पिरिट और मैटर की एजेंसी से जो बना है वो कमल है। सो छुपा अध्यात्म
का रहस्य ये कमल में है, लोटस में है। सर डब्ल्यू जोन्स शोज दैट द सीड्स ऑफ लोटस कंटेन इवन बिफोर द जर्मिनेशन, ये सीड्स फूल बने पुष्प बने इसके पहले उसमें क्या होता है, इसके बी में, कमल के बी में, सीड में, बीज में परफेक्टली फॉर्म लीव्स विच दे विल बिकम परफेक्टेड प्लांट्स। जो लीव्स बनने वाले हैं, जैसा प्लांट बनने वाला है, से सब उसके बीज में, कमल के बीज में रहता है। द स्प्रिग ऑफ लिलीज ऑफर्ड टू द वर्जिन मैरी हैव द सेम सिंबॉलिक मीनिंग। वर्जिन मैरी को भी जो अर्पण किया जाता है उसके पीछे भी ये रहस्यमय अध्यात्म छुपा हुआ है, उसके भीतर ही सब है। हमारे बीज में भी सब कुछ छिपा हुआ है जो हम मनुष्य की परम चेतना की अवस्था में, परम जागृति में वो सब खिलने वाला है। वो ही लोटस का, वो ही कमल का सिंबॉलिक मीनिंग है। इवन द बर्थ ऑफ गौतम बुद्ध वॉज अनाउंस टू हिज मदर महामाया बाय बोधिसत्व, द स्पिरिट ऑफ बुद्ध, स्पिरिट बुद्ध का स्पिरिट बोधिसत्व आए थे और उनके गर्भ में एक कमल पुष्प हु अपीयर बिसाइड हर कोच विद अ लोटस इन द हैंड। वो अपने हाथ में लोटस लेके आए थे और उसके गर्भ में लोटस का आदान प्रदान हुआ था। दस ऑल्सो ओसीरिस एंड होरस ग्रीक गॉड्स इजिप्शियन गॉड्स वेर रिप्रेजेंटेड कॉन्स्टेंटली बाय इजिप्शियंस इन एसोसिएशन विथ लोटस फ्लावर। अगेन द सिंबल इज दैट ब्रह्मा हैड टू एक्वेंट हिमसेल्फ विद द प्लांट buried in the bosom of the eternal one as the future lotus leaves are concealed within the seed of that plant। हिंदू धर्म में ब्रह्मा को कमल के पुष्प पे बिठा हुआ दिखाई देते हैं वो, क्योंकि वो बीज इसमें जो भी था वो ही विश्व के सृजन के लिए, कमल के बीज में जो था वो ही विश्व के सृजन के लिए, वो बीज का ही ज्ञान ब्रह्मा को होना होता था जिसमें पूरा कॉस्मोस का सृजन हुआ। वी कैन लुक फॉर द ओरिजिन एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्स इन द ज्यूइश कॉस्मोलॉजी। ज्यूइश कॉस्मोलॉजी में क्या कहा है, विद द सेम सिंबल, वही लोटस का सिंबल है। यानी वो प्रस्थापित करना चाहती है कि सभी रिलीजियंस किसी न किसी तरह एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एंड स्टिल वो कहती है सत्यान्नास्ति परो धर्म, सत्य के सिवा कोई धर्म नहीं है, सत्य से ऊपर कोई धर्म नहीं है। तो ज्यूइश कॉस्मोलॉजी में क्या कहा है, एंड गॉड सेड लेट द अर्थ bring forth the fruit tree yielding fruit tree after his kind whose seed is in itself। जो fruit tree, जो पुष्प वाला जो वृक्ष है, इसमें वो ही उसका बीज जिसमें यह पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। Lotus, let the fruit tree yielding fruit tree after his kind उस सीड इज इन इटसेल्फ, उसके बीज में ही सब वृक्ष छुपा हुआ है। जगत बनाने के लिए, जगत जिससे जैसा बनने वाला है, वो बीज जो छुपा हुआ है जहां, वो ही बीज पे ये पृथ्वी, लेट दैट सीड अलाउ इट टू कम आउट, अर्थ को ये बीज को प्रस्थापित होने दो, प्रस्फुरित होने दो। लोटस इज द प्रोडक्ट ऑफ फायर एंड वॉटर बोथ, हेंस द ड्यूअल सिंबल ऑफ स्पिरिट एंड मैटर।
द इटर्नल इज द स्पिरिट ऑफ फायर, जो शाश्वत तत्व है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, विच स्टीर्स अप, घूमता रहता है एंड फ्रुक्टिफाइज एंड डेवलप्स इन टू ए कॉन्क्रीट फॉर्म. वो जल में कॉन्क्रीट फॉर्म घूमते घूमते हुए वो कॉन्क्रीट फॉर्म इसमें से तैयार होता है. स्टीरिंग इज डन. हमारे सनातन धर्म में ऐसी बात कही गई है कि परमात्मा है वो अध्यक्ष है और प्रकृति है वो उनकी कार्यकर्ता है. जो उनके अध्यक्ष होने के नाते वो जो भी मार्गदर्शन देते हैं, ऐसे प्रकृति अपने आप को स्टीर करती करती हुई, घुमाती 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 हुई सर्जन करती है. इसे भगवान गीता में कहते हैं कि ये मेरा गर्भ है, परा प्रकृति गर्भ है. और ऐसी जो श्री विद्या की साधना है, नाथ संप्रदाय के नाथ योगी जो करते हैं, दत्त भगवान के जो भी अवतार है उन्होंने भी ये नाथ संप्रदाय की साधना को परिष्कृत किया है. वो नाथ संप्रदाय की साधना इतनी सचोट है आप कल्पना नहीं कर सकते. और इसमें भी एक शब्द आता है, ललिता गर्भिण्ये नमः स्वाहा. ललिता गर्भिण्ये स्वाहा, ललिता का जो गर्भ है, जो गर्भ धारण करती है विश्व सर्जन के लिए, परमात्मा अध्यक्ष है, ललिता गर्भिणी है स्वाहा. इतने छोटे से सूत्रों में पूरी कॉस्मोलॉजी को समझाने का अगर कोई भी धर्म में प्रयास किया गया हो तो शायद, मैं अतिशयोक्ति नहीं करती हूं, पर वो सनातन धर्म में है. अभी आगे और क्या कहती है वो मैडम ब्लेवस्की, देर इज ए प्रूफ थ्रू द सर्च इन द आर्काइव्स ऑफ हिस्ट्री. इतिहास के जो भी संग्रह संग्रहित किए हुए सब पुराने जो भी दस्तावेज वगैरह है, इसमें प्रूफ है क्या, that every fragment of modern philosophy, जब भी आध्यात्मिक तत्वज्ञान है उनका हर एक फ्रेगमेंट, हर एक अंश, whether न्यूटोनियन या न्यूटन का हो, कार्टेशियन हो डिकार्टिस का हो, हग्जेलियन हग्जले का हो और एनी अदर, हैज बीन डग फ्रॉम द ओरिएंटल माइंड्स. ये पूर्व की खान में से ही मिला हुआ है, पूर्व की माइंड्स में से ही मिला हुआ है. कौन कहता है ये, एक पश्चिमी मिस्टिक ये लिखती है. इवन पॉजिटिविज्म एंड निहिलिज्म, शून्यवाद और हकारवाद स्वीकारवाद, फाइंड देयर प्रोटोटाइप इन द पोर्शन ऑफ कपिलास फिलोसॉफी. कपिल मुनि, कर्दम और देवहूति के पुत्र, जिन्हें अपनी माता को ज्ञान दिया और वो ज्ञान में, सांख्य में भगवान कहते हैं मैं योग ज्ञान में मैं कपिल हूं, उनकी विभूति कही जाती है गीता में. तो कपिल मुनि के जो भी उन्होंने लिखा है उनके शास्त्र में भी ये सिद्ध होता है कि ये सब जो भी है, हग्जले हो या न्यूटन हो या डिकार्टिस हो, सब ओरिजिनली
कपिल की फिलोसॉफी में वो रिफ्लेक्ट हो गए हैं, मीन्स पहले ही उनमें समाहित है, बाद में ये सब आए हैं। और ऐसा कौन लिखता है? ऑर्डिनरी नहीं, मैक्स मुलर। मैक्स मुलर जिसने वेदों को, भारतीय शास्त्रों को अपनी तरह से यूरोप में और पश्चिम के देशों में प्रस्तुत किया, उसका उद्देश्य क्या था वगैरह की मैं चर्चा नहीं करना चाहती अब। पर मैक्स मुलर ये रिमार्क करता है कि ये सब कपिल की फिलोसॉफी में है। इट वॉज द इंस्पिरेशन ऑफ द हिंदू सेजिस, हमारे हिंदू साधुओं की, संतों की प्रेरणा से ही। दैट पेनिट्रेटेड द मिस्ट्रीज ऑफ प्रज्ञा पारमिता, परफेक्ट विजडम। भगवान बुद्ध की प्रज्ञा पारमिता काफी फेमस है, वो भी हिंदू सेजिस की इंस्पिरेशन से ही बनाई गई है, क्योंकि आफ्टर ऑल तो ये सब हिंदुइज्म में से निकले हुए धर्म है ना, बुद्धिज्म हो या जैनिज्म हो, वो सब पहले तो हिंदू थे ना। आगे कपिला सेज, कपिल मुनि क्या कहते हैं, मैनी सेंचुरीज बिफोर क्राइस्ट, जीसस आए उसके कई सदियों के पहले, कपिल कहते हैं दैट इन एक्सटेसी, जब आदमी आह्लाद की अनुभूति करता है, परम आह्लाद, आनंद से भी आगे की स्थिति, आह्लाद की अनुभूति करता है, तब इन एक्सटेसी मैन हैज द पावर ऑफ सीइंग डेइटी, जो भी अपने आराध्य होते हैं उसको फेस टू फेस देख सकते हैं, एंड कॉन्वर्सिंग विद द हाइएस्ट बींग्स, और ये उच्चतम जो सत्व है, तत्व है, उनके साथ वो संवाद भी कर सकते हैं। वो कोई ऑर्डिनरी आदमी नहीं लिखता, ये कपिल मुनि ने कहा है। द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ हुम द वर्ल्ड कैन नॉट रिसीव, ये जो सत्य का जो सत्व है वो जगत क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है, क्यों उसे ग्रहण नहीं कर सकता है, क्योंकि इट सीएथ हिम नॉट नाइदर नोएथ हिम, क्योंकि वो नहीं उसे जानता है नहीं उसे देखता है। कहां लिखा गया है? गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन 5:4-17, गॉस्पेल 14 के 17 पेज पे ये लिखा गया है कि आदमी को ये इसलिए दिखाई नहीं देता है, इसलिए वो जान नहीं सकता है, क्योंकि वो खुद देखने के लिए सक्षम नहीं है, उसे जानने के लिए सक्षम नहीं है। आ गया फिर से, सत्व को जानने और देखने के लिए क्या करना चाहिए। मैं यही हेतु लेके, यही मकसद लेके, यही उद्देश्य लेके, यही ध्येय लेके ये सब बातें आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूं कि उसे जान ले हम। मिल्टन लिखते हैं, मिलियंस ऑफ स्पिरिचुअल क्रीचर्स वॉक द अर्थ अनसीन, बोथ व्हेन वी वेक एंड व्हेन वी स्लीप, हम जब जागते हैं और हम जब सोते हैं तब भी हमारे जानने में नहीं आते हैं, ऐसे लाखों स्पिरिचुअल क्रीचर्स, आध्यात्मिक सत्व, दे वॉक द अर्थ, पृथ्वी पर चलते हैं, हम जागते हैं तब भी और सोते हैं तब भी, पर हम उसे देख नहीं सकते। जॉन मिल्टन लिखते हैं,
Mere intellectual enlightenment cannot recognize the spiritual. मात्र बुद्धि की जागृति स्पिरिचुअल को देख नहीं सकती, पहचान नहीं सकती, बुद्धि की मर्यादा है. रीजन वॉज द हेल्पर, रीजन इज द बार, शेरविन लिखते. तर्क मदद करता है और वो ही तर्क एक क्षण ऐसी आती है कि जो अवरोध खड़ा करता है. तो एज द सन पुट्स आउट ए फायर, सूर्य के सामने अगर दिया जलाए तो वो दिया इसके लिए कोई मतलब नहीं रखता है, ऐसे ही. सो स्पिरिट पुट्स आउट द आईज ऑफ मियर इंटेलेक्ट. मात्र बुद्धि की चक्षु से जो देखते हैं वो आत्म तत्व है, मीन्स अध्यात्म तत्व है, वो परम सत्व है, वो उसके सामने उसका कुछ भी नहीं चलता है. और ये कोई ऋषि नहीं लिखता है, इसने लिखा है डब्ल्यू होविट. मैडम बड़े बड़े फिलोसोफर्स को यहाँ बार बार हमें कोट मिलता है, उनको प्रस्तुत करती है. कितना गहन ज्ञान होगा उनका ये हमें पता चलता है. मैं तो नतमस्तक हो जाती हूँ जब भी मैं मैडम ब्लावत्स्की को पढ़ती हूँ, और उन्होंने मुझे जगाने में काफ़ी सहाय की है.